हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे सर्दी खांसी जुखाम के बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसको लेने से केवल 2 से 3 दिन में ही आपकी सर्दी जुखाम की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बहती नाक, गले में खराश और सिर दर्द, यह कुछ आम निशानियाँ होती हैं सर्दी और खांसी की। सर्दी खांसी बिल्कुल एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। और अभी का जैसा वेदर चल रहा है, इसमें सर्दी जुखाम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो यदि आपको भी सर्दी जुखाम की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है या टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे आप अपने घर में इमरजेंसी के रूप में ज़रूर रखें। स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इन मेडिसिनों को आप अपने घर में ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है, उनको बहुत जल्दी सर्दी जुखाम की प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको लेने से आपको सर्दी खांसी जुखाम टॉन्सिलाइटिस फीवर से तुरंत ही निजात मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम हम खासकर उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें ठंडा खाने से तुरंत ही सर्दी जुखाम की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे उन्होंने आइसक्रीम खा ली या कोल्ड ड्रिंक ले लिया, फ्रिज से निकाल कर कोई चीज़ डायरेक्ट खा ली, जिसके बाद उन्हें सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो गई है, सर दर्द की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये दवा बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। या आपके बच्चों को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है ठंडा खाने के बाद, तो आप उन्हें भी आर्सेनिक एल्बम ज़रूर दें। इसके अलावा अगर आपको नाइट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मींस मिड नाइट में आपको खांसी ज़्यादा तेज आ रही है, दिन के टाइम में आपकी खांसी या सर्दी जुकाम में थोड़ा आराम रहता है लेकिन रात में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे पेशेंट के लिए भी आर्सेनिक एल्बम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है। तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए। और अगर आपके बच्चों को प्रॉब्लम है तो आप इसे ग्लोब्यूल्स में मिक्स कराकर, आर्सेनिक एल्बम के लिक्विड को ग्लोब्यूल्स में मिक्स कराना है, इसके बाद अपने बच्चे को 2-2 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार दे देना है। अगर आप आर्सेनिक एल्बम लेते हैं 30 पोटेंसी में, तो 2 से 3 दिन में ही आपकी सर्दी जुखाम खांसी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। देन सेकेंड मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट। यह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें हमेशा खांसी की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो यदि आपको भी चेस्ट में कंजेशन जैसा लग रहा है, छाती में बहुत अधिक बलगम है और बाहर निकल नहीं पा रहा है, ऐसे में एंटीमोनियम टार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है और ईजिली कब बाहर आ जाता है इसको लेने से। या उन पेशेंट के लिए भी इफ़ेक्टिव होती है एंटीम टार्ट जिनको दूध या टबैको लेने के बाद बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है और 100% वर्क करती है। तो अगर आप एंटीमोनियम टार्ट 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर लेते हैं, तो ये आपकी खांसी की प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ साथ जो आपका बलगम फंस गया है उसे बाहर ईजिली निकालने में मदद करता है। मेडिसिन है हेपार सल्फ। हेपार सल्फ भी हमारी होम्योपैथिक की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिनको हल्की सी ठंडी हवा में जाते ही सर्दी जुखाम की प्रॉब्लम हो जाती है, इवन उनका टॉन्सिल्स भी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा भी वो कुछ खाते हैं तो उनको गले में दर्द होता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, फीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी निगलने में गले में बहुत तेज दर्द होता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी हेपार सल्फ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। तो आप इस दवा को ज़रूर लीजिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। ये दवा आपको केवल 2 से 3 दिन लेनी है, 2 से 3 दिन में ही सर्दी खांसी फीवर और गले में इन्फेक्शन से आपको बचा सकती है। तो आप हेपार सल्फ 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए, आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। देन फोर्थ मेडिसिन है एलियम सीपा। एलियम सीपा भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, साथ साथ उनकी रनिंग नोज, मींस नोज बहुत ज़्यादा नाक बहती है, छींके आती हैं, खांसी भी बहुत तेज आती है, गला बैठा हुआ रहता है, सर दर्द बहुत तेज होता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए एलियम सीपा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। और ख़ासकर गर्मी के सीज़न में आपको सर्दी जुकाम, रनिंग नोज की प्रॉब्लम है, नाक बहने की प्रॉब्लम है, तो आप एलियम सीपा ज़रूर लें। एलियम सीपा 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए। और अगर आपके बच्चे की प्रॉब्लम है तो आप इसे ग्लोब्यूल्स में मिक्स कराकर 2-2 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार दे दीजिए, उनकी
सर्दी जुखाम की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाए। देन फिफ्थ मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्वा। ब्रायोनिया एल्वा भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और सूखी खांसी साथ साथ गले में दर्द, सिर दर्द, मुंह सूखा सूखा रहना, बलगम सही से बाहर ना निकलना, बहुत मुश्किल से बाहर निकलना, कंजेशन होना चेस्ट में, फीवर का आ जाना, गर्दन हाथ पैर में अकड़न का होना, ऐसे पेशेंट के लिए ब्रायोनिया एल्वा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। तो अगर आपको भी इस तरह के लक्षण हैं तो आप ब्रायोनिया एल्वा 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए। तो ये आपकी सूखी खांसी, सर्दी, सरदर्द, पैरों में अकड़न, फीवर से भी निजात दिलाएगा और आपकी प्रॉब्लम कुछ दिनों में ही सॉल्व हो जाएगी। तो इन पांचों में से जिससे भी आपके लक्षण मिले उस दवा को आप 4 से 5 दिन ले लीजिए, आपके सर्दी जुखाम की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी और आपको सर्दी जुखाम से होने वाले जो सिम्टम्स हैं या होने वाली जो तकलीफ है वो भी कम हो जाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस होगी और आपकी सर्दी जुखाम की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।